व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई पठान का एक अपडेट निकल के आ रहा है जो कि ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं है। एक अफवाह फैल रही है, बट देखो शाहरुख खान की जो मूवीज होती है ना भाई, उसका क्रेज आपको पता है। तो भाई देखो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मेरा ऐसा मानना है ना, देखो भाई शाहरुख खान का कोई कैसा भी अपडेट हो वो भाई उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये ऑफिशियली नहीं है तो क्या हुआ, अफवाह है तो भी क्या हुआ। अगर 1% भी सच्चाई हुई तो भाई अपनी तो भाई मजे हो जाएंगे, और अगर गलत भी निकलता है तो घंटा क्या फर्क पड़ता है, अभी नहीं तो बाद में देखने को मिलेगा। तो भाई शाहरुख खान की जो पठान मूवी है इसका अपडेट निकल के आ रहा है, इसका टीजर कब रिलीज होने वाला है ना, ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है। उसकी एग्जैक्ट डेट भी बता रहे हैं कि इस टाइम पे रिलीज हो जाएगा, अभी रिलीज होगा, इस तरह से रिलीज होगा, ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो पठान को रिलीज होने में 5 महीने के करीब बचा है ना, 5 मंथ्स के करीब। तो भाई हम देख सकते हैं कि भाई 4-5 महीने पहले तो टीजर रिलीज होते, तो इसका टीजर डेफिनेटली हमको बहुत जल्दी देखने को मिलना चाहिए पठान का, है ना। यह मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा है, अब इसमें सलमान खान भी है, इतने टाइम बाद शाहरुख खान आ रहे तो वैसे क्रेज ज्यादा हो जाता है। अच्छा देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, देखो पठान का जो टीजर है अभी जो डेट निकल के आ रही है, वो लोग यूं बोल रहे हैं कि भाई शाहरुख खान की पठान का टीजर लाल सिंह चड्ढा मूवी के साथ आपको देखने को मिलेगा इन थिएटर। या फिर ऐसा हो सकता है लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने के 2-3 दिन पहले आपको इसका टीजर देखने को यूट्यूब पे मिले, और यही टीजर आपको थिएटर में देखने को मिले लाल सिंह चड्ढा के साथ, या फिर लाल सिंह चड्ढा के साथ आपको इसका टीजर देखने को मिलेगा, एंड टीजर 2-3 दिन बाद यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ देख रहे हैं भाई, बट पता नहीं अब ये कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर। देखो पहली बात तो एक चीज बताओ, आमिर खान की मूवी बड़ी है, इसमें आई थिंक सलमान खान और शाहरुख खान दोनों का भी कैमियो भी है। देखो पहली बात तो देखो यार, ये आमिर खान की बड़ी मूवी है, लोग इतने लोग इसको देखने के लिए जाएंगे तो भाई ये सच साबित भी हो सकता है। बिकॉज भाई देखो ये बड़ी बात है, क्योंकि भाई बड़ी मूवी रिलीज हो रही है तो भाई जितने लोग थिएटर में जाएंगे उनको पता चलेगा भाई शाहरुख खान की मूवी भी रिलीज हो रही है, तो भाई इससे और बूस्ट मिलेगा उनकी मूवी को, और क्रेज बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा इस टाइम पर रिलीज हो रही है, तो भाई इसमें सच्चाई भी हो सकती है। बट कितनी सच्चाई हो तो अभी पता नहीं है। अभी तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है लाल सिंह चड्ढा को रिलीज होने में, जब रिलीज होगी तब तो पता चली जाएगा, या फिर उससे पहले ही पता चल जाएगा कि पठान का टीजर एक्चुअली आप कब रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो भी हमको पता चल जाएगा। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में पठान के टीजर का कितना वेट है, आप लोग कितने एक्साइटेड इसके टीजर को देखने के लिए, एंड आपको लगता है कि भाई लाल सिंह चड्ढा के साथ पठान का टीजर आपको देखने को मिल सकता है। एंड मुझे तो यार पूरी उम्मीदें देखने को मिल जाए, 1% भी उम्मीद है ना मेरे को, तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, बिकॉज पठान का टीजर है भाई, शाहरुख खान की मूवी का टीजर है, तो आई एम सो एक्साइटेड एंड आई होप कि भाई वो लाल सिंह चड्ढा के साथ अटैच कर दे, इससे शाहरुख खान की जो मूवी है उसको ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा एंड इससे शाहरुख खान की मूवी को फायदा पहुंचेगा। सो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग कितने एक्साइटेड हो। उसके बाद देखो उसके बाद बॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी है नहीं है, बट ऐसी बड़ी मूवी है लाइक ब्रह्मास्त्र होगी, है ना। उसमें फिर सलमान खान की मूवी एक्चुअली कोई बड़ी नहीं है, कभी दिवाली चल रही थी बट उसका शूट ही चालू नहीं हो रहा है, तो भाई ऐसी कोई बड़ी मूवी नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके कि भाई पठान का टीजर उससे अटैच करेंगे है, बट इतनी बड़ी मूवी नहीं जैसे लाल सिंह चड्ढा को हम जिस तरह से देख रहे हैं कि भाई ये बड़ी मूवी हो सकती है। तो भाई ये सबसे अच्छी मूवी अपनी मूवी का प्रमोशन कराने के लिए, तो इसके साथ प्लीज टीजर डालो एंड प्रमोशन करो अपनी मूवी का, इससे अच्छा आपको चांस क्या मिलेगा। सो आप लोग बताओ कितने एक्साइटेड हो इसके टीजर को लेके, पठान के टीजर को लेके एंड लाल सिंह चड्ढा को लेके भी बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।